फ्रेंड्स, आई एम अली फ्रॉम द एलिगेंस सैलून। आज का हमारा टॉपिक है स्किन के ऊपर जो लाइंस आ जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी आईज के साइड पे लाइंस होती हैं, कुछ के फेस के लाफ लाइंस होती हैं, कुछ के फोरहेड पे लाइंस होती हैं, और स्किन डैमेज हुई भी होती है। आपको मैं बताता हूँ हमारी फेस पे लाइंस किस तरह आती है। लाइंस इस तरह आती हैं कि हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल हम टीवी देख रहे हैं या हम किसी को दूर से देख रहे हैं, तो हम अपने फेस के जाविये को चेंज कर लेते हैं, और वो ऐसा ऐसा हमारी आदत बन जाती है। उस आदत की वजह से हमारी स्किन सेंसिटिव होती है और स्किन में लाइन आना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत इजी टिप बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ये तिब्बत सिनो। तिब्बत सिनो तो आपको सबको पता होगा कि बहुत पुरानी क्रीम है और बहुत अच्छी क्रीम है। तिब्बत सिनो को अच्छा हमने बनानी डेली है, हमने ये नहीं करना कि एक ही दिन बना के रख लेनी है और बाद में हम यूज करते रहें। तिब्बत सिनो हमने सिर्फ इतनी सी लेनी है। लेमन हमने हाफ लेमन लेके उसके अंदर हमने उसके चंद ड्रॉप्स ऐड करने, उसका हमने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और जिस तरह हम लोग फेस पे ब्लीच लगाते हैं ना, ब्लीच क्रीम, उसी तरह सेम हमने उसी तरह इसको लगाना है। थिक सा इसका हमने एक लेयर बना के ना फिंगर से, जैसे आप ये देख सकते हैं, इस तरह हमने एक अच्छी सी थिक सी लेयर बनानी है। थिन ना हो, क्योंकि ये मेल्ट होती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में ये लगाना शुरू करेंगे 3-4 डेज आपके फेस पे लाइट सी इचिंग होगी। इचिंग से आपने घबराना नहीं है, इचिंग का मतलब है कि आपकी स्किन जो डैमेज है वो रिपेयर हो रही है। आपने इस तरह लेयर लगानी है, इसको तकरीबन आपने 20 मिनट्स अपने फेस पे लगाए रखना है। 20 मिनट्स बाद आपको फील होगा कि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है और थोड़ी खिंच रही है। स्किन जब आपकी टाइट हो रही होती है तो आपको फील होगा कि स्किन खिंच रही है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, जब स्किन आपकी टाइट होने लगती है और थोड़ी सी इचिंग होती है, वो जाके फौरन फेस वॉश कर लेते हैं कि पता नहीं स्किन खराब हो जाएगी। स्किन खराब नहीं होती, स्किन टाइट हो रही होती है। जब आपकी ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको इस तरह के आपने रब करना है। और ये आप देखें, देखते देखते आपकी जो ये क्रीम है इसका कलर वाइट था, ये अब थोड़ा सा मैला होना शुरू हो गया और ये आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगी, देखें। और अगर आप ज़्यादा टाइम लगाए रखेंगे तो ये आपकी, जैसे कि आप कोई ब्लीच लगाते हैं या कुछ भी, वो ड्राई होके रब होके उतरना शुरू हो जाता है, सेम ये वैसे उतर भी जाएगी। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप बेहतर समझते हैं अगर तो उसको इस तरह पेनिट्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमने 1 नाइट फुल टाइम लगाना है। रात को आप लगा के सो जाएं और सुबह किसी भी अच्छे सोप से आप वॉश कर लें, और बाद में आप अपनी स्किन देखें। ये देखें, ये मैंने लगाई थी तो ये वाइट थी, और ये देखें अब आप इसका कलर कितना गंदा सा हो गया। ये देखें, ये हमारी स्किन में से सारी जितना भी डस्ट होता है, जितना भी गंद होता है, वो सब निकाल देती है। लेकिन ये जो वाटर है, यह आपने अपनी स्किन के अंदर लगाए रखना है, ये स्किन में अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाएगा, और सुबह उठ के आपने किसी भी सोप से इसको वॉश कर लेना है। तकरीबन आपने ये 1 मंथ डेली करना है, डेली नाइट को आपने करना है, और फिर आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है। अब आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी फ्रेंड कह लें, उन्होंने मुझे कहा था इस वीडियो के लिए, मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है, और मैं उनका थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।